जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सुमो, आप देख रहे हो YouTube चैनल ब्रूडल सुमो। तो कैसे आप लोग मित्र दोस्त, समझ रहे होंगे, हंसी खुशी जी रहे होंगे। तो गाइस मैं आ गया आपके लिए और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग सबसे पहले उतरे भाई ओशियन पैलेस में। और भाई ओशियन पैलेस में उतरते साथ बंदों के पीछे पड़ चुका हूं भाई, हाथ में जो गन लगी उसी के साथ उनके पीछे पड़ गया हूं। पर यहां पे ना एक ऐसा बंदा होता है जिसका नाम होता है रॉनी, उस पे होता है भाई इग्निस एक्सूट। आपको आगे जाकर मैं दिखाऊंगा भी, वो यहाँ पे किसी और को मार रहा होता है, पर बाद में उसकी मेरी फाइट होती है स्कूल अपार्टमेंट्स के अंदर। और भाई स्कूल अपार्टमेंट्स में जो हम लोग की फाइट, मैं उसको सीधा नॉक फिनिश डालता हूँ। भाई वो सब देखने के लिए आपको वीडियो थोड़ी सी लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा लंबी है नहीं, वीडियो है भाई 7 मिनट की बस। तो इतना टाइम तो आप लोग दे ही सकते हो, क्योंकि आप लोग मेरे को मालूम है इससे ज़्यादा टाइम कुछ कुछ गंदी गंदी चीज़ों में देते हो, तो उससे अच्छा आप मेरे गेम प्ले में दे दो यार, मेरे को थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा हो सकेगा एंटरटेनमेंट मिल जाए, नहीं मिलेगा तो भाई क्या कर सकते हो यार। देखो इतनी वीडियोस अपलोड है, कुछ नहीं कहते तो आपका टाइम पास तो मैं करवा ही दूंगा। गेम प्ले अच्छा नहीं हो सकता, वॉइस ओवर अच्छी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो गेम प्ले तो भाई अब सब्जेक्टिव है, किसी किसी को प्रो देखना पसंद है, किसी किसी को नूब तो कोई देखता ही नहीं है। पर देखो वॉइस ओवर ऐसा चीज़ है जो आपका टेंशन खींचता है, तो मैं आपका टेंशन खींचने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहे। अब देख सकते हो यहाँ पे भाई बंदों को बस हेड देखना, कितने हेड लगेंगे। पहला बंदा आया हेड खाता है, ये सीधा ये स्टेटअप मजाक सबके, इसमें से पता नहीं क्या हो गया था भाई, जो मैंने हेड मारे हैं भाई सब इन बंदों से पूछे, इनको कितना बुरा लग रहा होगा, कोने कोने में छुप के बैठे होते हैं, पर फिर भाई एक एक हेड खा खा के भाग जाते हैं भाई, मैं क्या ही बोल सकता इन लोग को। अब देख सको इस बंदे को भी नॉक फिनिश डाला। अब क्या था, सामने से मुझे आता है फुटस्टेप, तो भाई मैंने ये पहले तो ये पानी वाला नेड खींचा और ये नेड सीधा फेंक दिया बंदे के मुँह पे। अब बंदा उसमें तैरने लगता है, तो भाई मेरे को मालूम तो यही सबसे अच्छा मौका है क्लोज इन करने का, तो मैं क्लोज इन करता हूँ और फिर ये बंदा बाहर आता है मुझे मारने के लिए। पर देखो हिप फायर में बुलेट स्प्रेड बहुत होगा, तो हिप फायर के टाइम अगर तुमने गलती से स्कोप खोल लिया तो भाई मजाक करके झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा तुम बंदे को खा सकते हो अगर तुमने उस पर सारी गोली कनेक्ट कर दी। क्योंकि देखो हिप फायर में होता है बुलेट स्प्रेड, पर वही तुम ये क्रॉस एयर खोल के करते हो, ADS मतलब हाँ क्रॉस एयर से यूज़ करके मारते हो, तो भाई बंदे का बुलेट स्प्रेड बहुत कम होता है, तो गोलियाँ लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो मैं क्लोज में वही मैक्सिमम टाइम तो क्या ही करता हूँ, मैं वही करने की कोशिश करता हूँ कि भाई हाँ बंदे को मार सकता हूँ। तो आपने अगर किल फीड अभी तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, पर बंदे का नाम एक बार आ चुका है रॉनी करके, अगर नहीं आया तो आगे चलो यार, फेस टू फेस फाइट होगी, उसका इग्निस एक्सूट मेरे सामने होगा, वो खुद पहन के आएगा, मैं खुद उसको मारूंगा भाई देख लेना। अब क्या होता है, यहाँ मुझे दूर पे एक बॉट दिखता है, तो पहले तो मैं 4x की बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने सोचा भाई इसको 4x से मारूंगा, क्योंकि मैं 3x भी था 4x भी था, मैं 4x से नॉक कर देता हूँ। अब क्या होता है, बॉट भाई मर के ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बंदा ये वाला बॉट मरने को दे ही नहीं रहा है मुझे, और देख सकते हो बंदे का आ चुका है एक सूट और भाई ग्लेशियर भी है उसमें। अब क्या होता है, मैं अचानक से इस बॉट को तो मार रहा हूँ, अब अचानक से मुझ पड़ती है ग्लेशियर, और ये मैं अपना क्राउच बटन दबाए जा रहा हूँ बिल्कुल नहीं दबता है क्राउच बटन, पर फिर मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट अपने टीममेट्स के पास, क्योंकि फाइट यहीं हो रही थी। अब भाई मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ, अचानक से सामने से मेरे को आता है फुट, एक बंदा आता है भाई, बंदे पे इग्निस एक्सूट है, और बंदा ये वही था जिसने चमकार था, जिसने मुझे M4 से मारा था, ये बंदा रिकॉल हो गया था भाई, इसकी पेटी पैक करके मैंने तो बदला ले लिया, भले उसके बाद भगवान ने थोड़ा सा मेरे को शराब दे दिया कि भाई तू इससे आगे उस मैच में नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं मर जाता हूँ वहीं पे और अगला मैच खेलता हूँ। पर अगर आप चाहते हो आपको ये शराब ना मिले, तो भाई आपको दो सिंपल चीज़ें करनी है, एक तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके। मेरे को फिलहाल तो पता नहीं कितने सब्सक्राइब, पर इतना है मेरे को 140 तो प्लस ही है, क्योंकि देखो ये वीडियो मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को करंट नहीं मालूम आज मेरे इस डेट में मेरे कितने सब्सक्राइबर है। तो भाई जैसा भी आप लोग बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को मतलब मेरे सब्सक्राइबर गोल की तरफ पहुँचाएगा, और आपका एक लाइक मेरी वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचा सकता है, तो भाई प्लीज़ ये सब कर लो, आपका एक पैसा नहीं जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, पर उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम लोग आते हैं फिर से गेम प्ले के अंदर। अब क्या था, यहाँ देखो BGMI के बस नशे देखो भाई, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेरा पूरा कनेक्शन खत्म हो गया था, मैं इसके बाद नेट भी चेंज कर लेता हूँ, मैं वाईफाई की जगह मोबाइल नेट पर आ जाता हूँ, मुझे गेम में घुसने ही नहीं देता है BGMI, जैसे उसने कसम खा ली कि भाई तू नहीं हो जाएगा गेम में, तू गेम के बाहर ही रहे, तुझे खेलने ही नहीं दूंगा मैं ऐसा। भाई बताओ यार BGMI ऐसा करता है यार, अच्छा नहीं लगता। फिर इस बंदे को मारता हूँ, ये आता है एक रिकॉल करनी है, दूसरा मैच ये वो मैच नहीं है, वो मैच में 4 किल था, इसमें भाई 2 किल, पता नहीं आजकल मेरा फॉर्म भी अलग चल रहा है कि भाई मेरे से किल ही नहीं हो रहा था, पर बीच बीच में लास्ट में आ गया था मेरा फॉर्म, मतलब फॉर्म तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ ट्रेनिंग करके, पर भैया ना थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ, ट्रेनिंग करता नहीं हूँ मैं। अब भाई सामने मुझे दो बंदों की फाइट होती हुई दिखती है, तो भाई इनमें से एक को तो मैं नॉक पड़ा हुआ था, तो मैं उसका किल चुरा लेता हूँ। अब किल चुराने के बाद भाई मुझे आते हैं नीचे से फुटस्टेप, ये बंदा कोने में बैठा होता है, तो मैं इसको भी सीधा मारता हूँ। अब भाई इसको आके फिनिश डालता हूँ, पर मैंने यहाँ एक चीज़ नोटिस की, मुझे यहाँ पे FPP जंप स्वॉप करके जंप करना चाहिए था, उससे मेरा फ़ायदा होता, क्योंकि भाई उसमें जब मैं ऐसे नॉर्मल जंप किया मुझे घंटा बंदा नहीं दिखता, उसके मैं मर भी जाता
ये जंप की वजह से, क्योंकि मैं एक दो बार मरा भी हूँ ऐसे थोड़ी ज़्यादा ही तूफानी करने की कोशिश करता हूँ ना। अब क्या होता है, सामने से एक बंदा आ रहा होता है। अब भाई इसके पास थी S12 के, मैंने इसका फुट सुन लिया था, मेरे को मानता था ये मुझे नहीं सुना है। तो भाई जैसे ही अंदर घुसा मैंने सीधा इसको नॉक किया, इसकी S12 के उठाई। अब भाई UMP में थोड़ी गोली खत्म हो गई थी तो मैंने उठाई उजी। अब क्या होता है, सामने आता है बंदा फ्री फायर पूरा देता है, इसको नॉक किया और भाई S12 के से इसको सीधा फिनिश करता हूँ। भाई मजाक करके इस मैच में मुझे लग रहा था ना अभी तक कि भाई मैं इस तो भगवान हूँ, भाई मेरे आगे तो कुछ कोई है ही नहीं गेम खेलने में। पर फिर होता है ना, इस मैच के लास्ट में एक बंदे ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब क्या होता है, सामने से आता है मेरे को फुटस्टेप, बंदा UMP लेकर रश कर रहा होता है मेरे ऊपर। तो भाई थोड़ा सा मेरा हेड वेड लग जा रहा था तो इस बंदे को मैंने मार दिया। अब क्या मैं यहाँ बाहर देता हूँ, मुझे मालूम था सामने एक बॉट है, तो भैया मैं थोड़ा सा ट्रिक शॉट यूज़ करने की कोशिश करता, ये छोटे वाले गैप्स इस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था। पर भाई ये बॉट ने पता नहीं क्या खा गया भाई, बहुत गंदा डैमेज मुझे दिया। अब क्या होता है, उसके बाद मेरे ऊपर आ जाती है एक स्टिंगरे। अब भाई स्टिंगरे में दो बंदे होते हैं जिनमें से एक बंदा ये रहा मेरे सामने। अब भाई ये इतना सामने था, इसको मैं सीधा नॉक करता हूँ और इसको फिनिश करने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। भाई बंदा सीधा जाके छुप गया था, बड़ी मुश्किल से मुझे मिलता है। फिर इसको मैं नॉक फिनिश डालता हूँ। इसका टीममेट भी होता है जो मेरे टीममेट से थोड़ी वो गोली खा लेता है, जिसकी वजह जिसके बाद मैं उस पर रश कर देता हूँ डायरेक्ट और मैं उस पर चढ़ के उसी को मार देता हूँ। हेड बहुत तगड़े मारता हूँ मजाक सट के, इस पर भी शायद इग्निस एक्स छूटता। पर फिर क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे जाकर मर जाते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम। जल्दी मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा एम सुधारने की जरूरत तो है मुझे, तो जल्दी मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।